नमस्कार, मैं ललित। अभी अभी सुलगा था उदयपुर और अब जयपुर मानो जलने को बेताब है। राह चलते साइड मांग लेने और ना देने का टंटा पूरे इलाके के लिए मानो टेंशन बन गया। उदयपुर की तरह इसमें वो सारे एलिमेंट थे जिनकी आग की आंच में सब अपनी अपनी रोटियां सेंकते, लिहाजा मामला बढ़ता ही चला गया। पहले पूरी घटना जान लीजिए। शुक्रवार की रात की घटना और शनिवार होते होते मानो सुलगने जैसी स्थितियां बन गई। बारिश और बदहाल ड्रेनेज सिस्टम के चलते डूबा डूबा सा जयपुर रहता है। यही वजह है कि शायद लोगों की सहन शक्ति और धैर्य को भी इसने डुबा दिया। शास्त्री नगर इलाके में स्वामी बस्ती के रहने वाले 36 साल के दिनेश अपने दोस्त जितेंद्र के साथ स्कूटी से घर लौट रहे थे। उसी दौरान आजाद कॉलोनी में एक ई रिक्शा से टक्कर हो गई। ई रिक्शा सवार 3 युवकों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने दिनेश और उसके दोस्त को पीटना शुरू कर दिया। मारपीट के बाद हालांकि दोनों पक्ष अपने अपने घर चले गए, लेकिन घर जाने के बाद दिनेश और स्वामी की तबीयत बिगड़ गई और मौत हो गई। ये खबर जंगल में आग की तरह फैलती चली गई। उदयपुर का मामला अभी भी लोगों के दिमाग में ताजा है, लिहाजा पुलिसिया कार्रवाई की रफ्तार तेज थी। आनंद फानन में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी का नाम बहुत ध्यान से सुनिए, आरोपी का नाम है शाहरुख। दो आरोपी अभी फरार हैं। इतना सा नाम भावनाओं के साथ साथ राजनीति को सुलगाने के लिए भी काफी था। घटना एक बार और सुन लीजिए। मृतक दिनेश स्वामी है, 36 ईयर ओल्ड। रात के 9:30-10 बजे की बात है, ये कोई स्कूटी से जा रहे थे, एक इनके साथी थे जितेंद्र, उनके साथ जा रहे थे। तो एक खड्डा आया था, उस खड्डे के कारण सामने से जो ई रिक्शा आ रहा था उससे इनकी थोड़ी टक्कर हो गई। तो उसमें कोई 2-3 व्यक्ति जो बैठे थे उनसे अचकास होनी हुई और इनसे चापस में सामान्य मारपीट हुई। सामान्य मारपीट होने के बाद दो तीन मिनट में ही जो आसपास वाले थे उन्होंने छुड़वा भी दिया और ये सारे अपने अपने घर चले गए। घर जाने के बाद में उनके साथ कहीं आधे घंटे बाद में कहीं पेन हुआ कोई, या इंटरनल कोई इंजरी हो सकती है या फिर उनको अटैक आया हो, तो फिर इनको हॉस्पिटल लेके गए कांवटिया। तो अच्छा, वहाँ पे उनकी अच्छा डेथ हो गई। एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। हाँ, अभी 3 में से एक को डिटेन किया हमने। अभी साइड देने का एक मामूली सा विवाद इस हद तक बढ़ा कि जान चली गई। 5 लोगों में जमकर लात घूंसे चले। घर पहुंचकर दिनेश के सीने में दर्द की शिकायत हुई। हॉस्पिटल उसे जब तक ले जाया जाता उसकी जान चली गई। पुलिस ने यह साफ कर दिया कि मामला साइड देने का है, कहीं कोई पुरानी रंजिश नहीं है। पुलिस को भनक थी कि मृतक का धर्म और आरोपी का मजहब क्या है, लिहाजा आनंद फानन में एक गिरफ्तारी हो गई और दो को दबोचने के लिए टीम बना दी गई है। पुलिस ने यह भी अपील की है कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें। पुलिस भले ही इसे रोड रेस की घटना मान रही हो, लेकिन राजनीति को इसमें भरपूर दिलचस्पी है। यही वजह रही कि सुबह होते ही शहर की सड़कों पर इसका असर दिखने लगा। लोगों का समूह धीरे धीरे भीड़ में तब्दील होता चला गया। सैकड़ों की संख्या वाली ये भीड़ शास्त्री नगर पहुंच गई। जमकर नारेबाजी और हो हल्ला शुरू हो गया। स्थानीय नेता अपने स्थानीय समर्थकों के साथ पहुंच गए। पीड़ित के लिए न्याय के साथ साथ नौकरी की मांग की गई। मौके पर हालात कैसे हैं वो भी जान लेना चाहिए। राजधानी जयपुर के पुलिस थाना शास्त्री नगर इलाके में हुई दिनेश स्वामी नाम के युवक की हत्या के मामले में, पीट पीट करके हत्या के मामले में जो पीड़ित के परिजन और उसके स्थानीय निवासी थे उन्होंने यहां पर धरना दिया। धरने में जो विधायक गोपाल शर्मा थे वो भी शामिल हुए और बताया जा रहा है कि राज्य सरकार के स्तर पर इस बात की सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है कि पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री सहायता कोष से मुआवजा दिलाया जा सके। इसके साथ साथ में पीड़ित परिवार के एक व्यक्ति को संविदा नौकरी जो है वो दी जा सके और एक डेयरी का जो कियोस्क है वो अलॉट किया जा सके, क्योंकि परिवार जो है बेहद ही निर्धन जो है वो बताया जा रहा है। पूरे मसले को लेकर के लगातार शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस थाना शास्त्री नगर पर जो पुलिस का जाप्ता है वो पूरे आज सुबह से ही लगातार तैनात है और लगातार कोशिश की जा रही है धरने देने वाले धरनार्थियों से कि वो जो है वो धरने के दौरान शांति बनाए रखने की अपील जो है वो लगातार पुलिस कर रही है। धरने के दौरान पुलिस जो है वो लगातार कोशिश कर रही है समझाइश की, और समझाइश को लेकर के पुलिस का यह कहना है कि लगातार इस मामले में बातचीत जो है उच्च स्तर पर चल रही है और जल्द ही पूरे मामले को लेकर के पटाक्षेप होने की उम्मीद जताई जा रही है। साइड लेने की घटना कैसे एक बवाल में तब्दील हो गई समझ लीजिए। सियासत के रास्ते कैसे एक मामला सुलगता चला गया। कहां तो उदयपुर से सबक लेना था, कहां तो बात सौहार्द की अपील की करनी पड़ रही है। यह तय है कि सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं, फिर क्या उदयपुर और क्या जयपुर। लेकिन सभ्य होने के लिए सहनशील तो होना पड़ेगा, इसे तो आपको समझना पड़ेगा, इसे आवाम को समझना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा। धन्यवाद।